नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। खबर टोंक जिले के बनेटा उप तहसील मुख्यालय पर तेजाजी के चौक से है, जहां कला कीर्तन मंडल के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ की पूर्णावती कार्यक्रम रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया, जिसमें पंडित आचार्य अनिल कुमार शास्त्री के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंडों में आहुतियाँ देकर विश्व शांति की कामना की गई। 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ के समापन पर रामलीला रंगमंच के सामने पंडित आचार्य अनिल कुमार शास्त्री ने सरपंच सुभद्रा मीना, समाजसेवी ओम प्रकाश मीना, कमल माली, विनोद कुमार शर्मा एवं राजेंद्र कुमार सेन ने दंपतियों सहित वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंडों में आहुतियां दी। गौरतलब है कि इस बार कोरोना महामारी को लेकर रामलीला आयोजित नहीं की गई। रामलीला के स्थान पर 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ आयोजित कर पूर्ण आहुति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद महाआरती उतार कर कन्याओं को प्रसादी ग्रहण करवाई। बनेटा से राजेश सेन की रिपोर्ट।